सबसे पहला जो ट्रीटमेंट होता है वो होता है नेवल कॉर्ड ट्रीटमेंट, उसमें जो भी है गाय भैंस बकरी जो भी हो आता है, बच्चा पैदा होने के बाद आधा घंटे के भीतर पिलाएंगे। ये गलत धारणा है, दूध निकालें और दूध पिलाएं। बकरी फार्म कैसा बनाएं? दोस्तों, बकरी फार्म बनाने के लिए बकरी के बच्चों के ट्रीटमेंट का हमें बहुत विशेष ध्यान रखना होता है, क्योंकि किसी भी फार्म को अच्छे ढंग से चलाने के लिए उसकी नेक्स्ट जनरेशन की ग्रोथ बहुत ही ज़रूरी है। और दोस्तों, आज की वीडियो में मैं मथुरा एंड सुवालिया गोट फार्म पर विजिट किया था, तो वहाँ बड़े ही क्वालिफाइड डॉक्टर्स को बुलाते हैं ट्रेनिंग के लिए, तो उनका ट्रेनिंग प्रोग्राम मैंने अटेंड किया था, तो वहाँ एक वीडियो रिकॉर्ड की थी। तो इस वीडियो में आप अभी कुछ देर में सीधे उनकी ट्रेनिंग क्लास में पहुँचेंगे, और दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। ऐसी खास वीडियो है जो आपको ऐसा फील होगा कि जैसे आप स्वयं ट्रेनिंग क्लास में बैठे हैं, और आप ये भी जान पाएंगे कि वो डॉक्टर कितना अच्छे तरीके से एक एक सवाल का जवाब देते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई, और अगर आप ऐसी वीडियो आगे और भी देखना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं फार्मिंग गुरुजी यूट्यूब चैनल, और मैं हूँ आपका दोस्त सुरजीत सिंह। का जानवर सुरक्षित आएगा, आपको भी फायदा मिलेगा। तो नाम हम स्टार्ट करेंगे बकरी के बच्चे के जन्म से। तो बकरी का बच्चा जन्म लेता है, तो जन्म लेने के बाद उसके सबसे पहले उसको साफ कर लेते हैं, जो भी है बकरी चाटती है वो अलग चीज़ है, लेकिन उसको साफ से कर लेते हैं। साफ करने के बाद सबसे पहला जो ट्रीटमेंट होता है वो होता है नेवल कॉर्ड ट्रीटमेंट, उसका नाड़ा होता है जो, उसका ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है, नेवल कॉर्ड ट्रीटमेंट। तो इस नेवल कॉर्ड ट्रीटमेंट क्यों ज़रूरी है? नेवल कॉर्ड ट्रीटमेंट नाला जो होता है नाभि का जो नाला निकलता है ना नेवल, उसे अंग्रेजी में नेवल कहते हैं। तो नेवल कॉर्ड ट्रीटमेंट होता है, और ये बहुत करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए क्योंकि जब बच्चा नेवल कॉर्ड कॉर्ड CORD नेवल कॉर्ड नाला लिख दो, नाड़ा यार हिंदी में लिख लो। देखो एक बात है, आपकी बात समझ में आनी चाहिए, चाहे हिंदी में समझो, उर्दू में समझो, फारसी में समझो, चाहे इंग्लिश समझो, किसी में हो, मतलब आपकी समझ में आना चाहिए, कोई जरूरी नहीं आप इंग्लिश में समझो। हाँ, तो नेवल कॉर्ड ट्रीटमेंट है, नाड़ा जैसे कहते हैं, नाभि सूत्र कहते हैं, जो भी कहते हैं, अलग अलग कहते हैं, उसका ट्रीटमेंट करना जरूरी है। कारण ये है कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो उसका सारा पोषण उस नेवल कॉर्ड से जो होता है ना उसके द्वारा जाता है, और जब बच्चा पैदा होने के बाद जैसे बाहर आता है तो नेवल कॉर्ड का कनेक्शन तब तक बच्चे के शरीर के सारे अंगों से रहता है। अगर आपने नेवल कॉर्ड ट्रीटमेंट नहीं किया तो क्या होगा कि बच्चा पैदा होगा, पैदा होने के बाद वो कहीं गंदे जगह पे वहीं बैठ गया, इस जगह बैठ गया, तो क्या होगा कि उसमें नाभि के थ्रू जो नेवल कॉर्ड है उसके थ्रू बैक्टीरिया, वायरस, कोई भी जीवाणु विषाणु कोई भी उसके थ्रू चढ़ जाएंगे, और वहाँ से जाके वो उसके लंग्स में सेट हो जाएं, ब्रेन में सेट हो जाएं, हार्ट में सेट हो जाएं, कहाँ हो जाएं, और ऐसी बीमारी हो जाएगी जिनका इलाज करना असंभव होगा। इसलिए नेवल कॉर्ड ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है, पहला स्टेप, ठीक है। और उसको करते कैसे हैं कि जो आप उसके शरीर से करीब 1.5 इंच की दूरी पर, यहाँ उसके जो नाड़ा होता है उसके 1.5 इंच की दूरी पर एक धागे से मजबूत बांध देंगे, ठीक है, फिर एक आधा इंची की दूरी पर दूसरा धागा बांध देंगे, और साफ ब्लेड या कैंची साफ से आप इसको बीच से काट देंगे, ठीक है। काटने के बाद हमने बांध दिया है, लेकिन भाई देवे कुछ ऐसा होता है, जरा उसमें कहीं गैप रहा, कुछ रहा, तो बैक्टीरिया वायरस वहाँ से पास हो सकते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, इसके बाद जो ट्रीटमेंट हमारा होता है, एक तो ये स्टेप हो गया काटने का, अगला स्टेप ये होता है कि हम टिंचर आयोडीन, लिख लो आप टिंचर आयोडीन या बेटाडीन, टिंचर आयोडीन या बेटाडीन, हिंदी में लिख लो टिंचर आयोडीन या बेटाडीन, बाजार में मिलता है, सब जानते हैं, सब मिल जाएगा आपको, मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा, टिंचर आयोडीन या बेटाडीन लेके एक कप टाइप उसमें लेके, और ये सुबह शाम दिन में दो बार सुबह शाम 3 दिन तक डुबाएं, उसके बाद धीरे धीरे सूखी गिर जाएगा और आपका जानवर जो है बच्चा सेफ हो जाएगा। एक पहला करेंगे नेवल कॉर्ड ट्रीटमेंट दिन में दो बार सुबह शाम, ठीक है, क्लियर।
क्लियर हुआ आपको, ये पहला स्टेप है और ये करना बहुत जरूरी है। और जितने भी हो कॉमर्शियल करो, आप 50 बकरी हो, 50 जानवर हो, जो भी हैं गाय भैंस बकरी जो भी हो, हाँ आप एक छोटे से कप में ले लो, 10 ml 20 ml, जो डूब जाए वो, इतना जो कटा होगा ना थोड़ा डूब जाए उसका, बस इतना है ये क्वांटिटी थी ये डूबने की हो। और जितनी पतली होगी उतना ज़्यादा होगा, टेस्ट ट्यूब ले लो, पतली वाली ले लो, ज़्यादा बड़ा लोगे गिलास लोगे तो ज़्यादा लेना पड़ेगा इसलिए, ठीक है क्लियर। नेक्स्ट दूसरा क्या है कि हम अगला स्टेप हमारा आता है, एक तो हम लेवल को ट्रीटमेंट कर देते हैं, दूसरा आता है बच्चा पैदा होने के बाद आधा घंटे के भीतर, ये बच्चा पैदा हुआ साफ सफाई हुई आधा घंटे में, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा लगेगा सब करा दोगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है कि जो माँ का खीस होता है, खीस कोलेस्ट्रम अंग्रेजी में कोलेस्ट्रम कहते हैं, खीस कहते हैं जो भी पहला दूध जो भी कहते हैं, और ये जो कोलेस्ट्रम या खीस है वो रिच इन विटामिन मिनरल्स और एंटीबॉडी जो होती हैं शरीर को जो बीमारियों से विभिन्न बीमारियों से बचाती हैं उसमें बहुत रिच होता है। और ये दूध देना पहले बहुत ही बहुत ज़रूरी है, और चाहे उसको एक बार ध्यान रखें, जैसा देखा हमने अपने अनुभव से देखा है, लोगों की जो हमने फीडबैक लिया है कि जब तक गांव में जेल नहीं गिरती है, चाहे वो 2 दिन ना गिरे या 1 दिन ना गिरे, जब तक दूध नहीं निकालेंगे, ना दूध निकालेंगे ना दूध पिलाएंगे, ये गलत धारणा है। दूध निकालें और दूध पिलाएं, जेल गिरना अलग चीज़ है लेकिन ये अलग चीज़ है। इसमें क्या है, आप थन को सादा पानी से उसमें लाल दवा डाल के पोटेशियम परमैंगनेट लिख लो, थन को लाल दवा पोटेशियम परमैंगनेट या कुएं की लाल दवा पोटेशियम परमैंगनेट डाल के थोड़ा गुलाबी रंग का पानी हो जाए उससे थन को धो लें। थन को धोने के बाद उसे साफ कपड़े से पोंछ लें और बच्चे को एक धार निकालने के बाद बच्चे को पिलाएं। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप उसकी नाक आंख साफ कर रहे हैं, नाक भी साफ कर रहे हैं क्योंकि उसकी नाक में झिल्ली पड़ी होगी, ये सभी होगी, वो चाटेगी वो अलग चीज़ है, वो तो चाटता रहने दो, उससे तो मदर टिन जाती है, मदरिंग आएगी। लेकिन जो आप नाक आंख इसके साफ करेंगे, ये तो गांव वाले सब पढ़ती हैं, जो अनुभवी हैं वो, तो वो नाक आंख साफ करनी पड़ेगी आपको, पूरा नाक आंख कहीं भी झिल्ली है वो साफ करनी पड़ेगी, नहीं तो सांस नहीं ले पाएगी। हाँ वो सब साफ कर लेंगे आप, दवा कहीं लगाएंगे, जो हमने आपको बताया वो करेंगे, पहला ट्रीटमेंट ये, दूसरा आप पैदा होने के सबसे पहले आधा घंटे बाद आप जितनी जल्दी हो सके, आधा घंटे नहीं जितनी जल्दी हो सके आप उसको पहला दूध पिलाएं, क्योंकि जो आप पहला दूध पिलाएंगे वो दूध बच्चों को 3 महीने तक विभिन्न बीमारियों से बचाएगा। आपने ये अक्सर देखा होगा, आप सभी मैच्योर्ड हैं, मैं भी हैं, जिन बच्चों को चाहे आदमी का बच्चा हो, भैंस का बच्चा हो, बकरी का बच्चा हो, किसी का बच्चा हो, जिस बच्चे को अपनी माँ का दूध नहीं मिलता है वो बच्चे लुलझुल बिल्कुल डर डिप्रेस मतलब मरे से रहते हैं और कई बीमारियां उनको घेर लेती हैं। इसलिए माँ का दूध पिलाना बहुत ज़रूरी है। और क्यों ये दूध जो है ना 24 घंटे तक एक इसमें 24 घंटे तक ये दूध अमृत होता है, फिर ये दूध हो जाता है। कारण ये है कि 24 घंटे तक हमारे जो पेट में जो आँतों में इसकी शोषण करने की एक अंदर अंदर जो है ना आँतों में गिलाई होती है, आँतों में ये समझ लो आँतों में छोटे छोटे छेद होते हैं, वो छेद होते हैं वो इतने बड़े छेद होते हैं उस समय कि वो छेद उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और जैसे बच्चा पैदा होता है, जैसे फूल खिला हुआ फूल मुरझाना शुरू होता है, ऐसे वो धीरे धीरे मुरझाने शुरू हो जाते हैं और 24 घंटे के बाद वो छेद बंद हो जाते हैं। फिर उसके बाद आप कुछ भी पिलाओ, खीर उसको अमृत पिलाओ, मतलब कोलेस्ट्रॉल खूब पिलाओ, कोई फायदा नहीं, लेकिन जो पहले 24 घंटे में जो आप कोलेस्ट्रॉल पिला देंगे वो अमृत का काम करेगा। और कोलेस्ट्रॉल देते हैं कितना है आपको बताएगा वो नहीं बताएगा, सुन लो आप, जितना बच्चे का वजन होता है उसका 10%, बच्चे के वजन का 10%, 3 किलो का बच्चा 300 ml, 4 किलो का बच्चा 400 ml, 5 किलो का बच्चा 500 ml, मतलब इतना हमें देना है। लेकिन हम उस कोलेस्ट्रॉल को डिवाइडेड डोज में देंगे 24 घंटे के अंदर। शुरुआत हुई 50 ml दे दिया, फिर आधा एक घंटे बाद बच्चे को घुमाया घुमा फिरा फिर 50 ml दे दिया, मतलब 24 घंटे में जितना आप दे सकेंगे वो करेगा। वो आप ऐसा है वो ज़्यादा लेगा नहीं, आप अपने थोड़ा सुपरविजन में करेंगे तो मतलब अगर ज़्यादा ले लेगा, मान लो देखो बच्चा ज़्यादा ले लेगा तो उसको डायरिया हो जाएगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ डिवाइडेड डोज में दिलाओ, आप थोड़ा पिलवा दो
आपने देखा कितना पिला दिया, जो एक्सपीरियंस होते हैं उन्हें पता चल जाता है कि इतना ले लिया है उसका हो गया, फिर आप आधा एक घंटे बाद फिर थोड़ा पिलवा दो, फिर मतलब आप लगाओगे ना उसको, करवाओगे थोड़ा अरेंज करोगे, ऐसे करके आप 24 घंटे में आप जितना पिला देंगे उतना उसको अमृत का काम करेगा। ठीक, क्लियर। इसलिए ये बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये बात आप भी सीख के जाएँ और आप अपने अड़ोसी पड़ोसी इष्ट मित्रों को भी बताएं कि आप 4 बार पिलाओ 6 बार पिलाओ 24 घंटे के अंदर जितना पिला लोगे उतना काम करेगा, बस इतना मत पिला देना कि उसको दस्त हो जाए। ठीक, 10% है नॉर्मल का है बॉडी वेट का 10%। ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट, लाल दवा, कुएं की लाल दवा लिख लो, हिंदी में लिख लो कुएं की लाल दवा, कुएं की लाल दवा सब जानते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट जो कुएं में पड़ती है ना, लाल दवा, लाल दवा गुलाबी गुलाबी जो हो जाती है टंकियों में आती है, कहीं आती है, समझ गए हैं, उससे थन धुलना है। और थन आप, अब आप, मैं अगली उस पर आ रहा हूँ, अगले स्टेप पे। ऐसा होता है बच्चा पैदा होने के बाद 3रे दिन से आपने देखा होगा गाय का, भैंस का, बकरी का, आदमी का, तीसरे दिन 4थे दिन से बच्चे को हरे पीले दस्त होने